18 विशेष जड़ी बूटी से बना आयुर्वेदिक पेन रिलीव ऑयल जॉइंट वेदा, जो मांसपेशियों से लेकर जोड़ों के दर्द को देता है आराम। दिन में 3 बार जॉइंट वेदा लगाने से आपको मिलेगा दर्द से छुटकारा। आपके नजदीकी मेडिकल स्टोर पर जॉइंट वेदा ऑयल अवेलेबल है। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। 4th की खिड़की से गिरकर 7 साल की जिक्रा हुई हादसे का शिकार, किस्मत कॉलोनी ठाकुर बिल्डिंग की दुर्घटना। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 16 सितंबर रात 11 बजे के आसपास कौसा किस्मत कॉलोनी स्थित ठाकुर बिल्डिंग से एक भयानक दुर्घटना की खबर सामने आई। 7 साल की जिक्रा बच्चों के साथ खेलते खेलते पलंग पर चढ़ी और खिड़की से झांक रही थी पड़ोस के घर से, मगर इसी दौरान पलंग से पैर फिसला और जिक्रा नीचे चली गई। जिक्रा को मुमरा कौसा के अलग अलग 3 अस्पतालों में ले जाया गया, जहां से उसे बाद में छाने के जुपिटर अस्पताल ले जाया गया। जिक्रा फिलहाल उसकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। माँ बाप बेहद गरीब है, इलाज के लिए उनके पास उतना पैसा नहीं है जितना अस्पताल मांग रहा है। इस पूरे हादसे को लेकर जिक्रा की माँ से हमारी बात हुई है, अन्य लोगों से बात हुई है, घटनास्थल हम आपको दिखा रहे, ठाकुर बिल्डिंग दिखा रहे। स्थानीय समाज सेवक हाशिम शेख ने भी इस मामले में काफी भागदौड़ की, क्या उन्होंने कहा वो भी हम आपको दिखा रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शर्मा पढ़ने। अच्छा, आपकी बच्ची के साथ एक हादसा हुआ है, यहाँ पर ट्यूशन पढ़ने आती थी, यहाँ पे खेल रही थी, उस दौरान पलंग पे चढ़ने के बाद गिर गई। क्या हुआ था, क्या हादसा हुआ था, कैसा हुआ ये सब? ये सब तो नाम अपने घर में थे, वो यही खेल रहे, पढ़ने आई थी। अच्छा, छुट्टी हुआ तो बच्चों के साथ में खेलने लगी। अच्छा, ट्यूशन छूटने के बाद बच्चों के साथ खेलने लगी। हाँ। अच्छा, खेलने के बाद पता नहीं क्या हुआ, कैसे कोई नहीं देखा, इन लोग से पूछ रहे, ये लोग भी नहीं बता रहे कि कैसे होगी थी। अच्छा, मतलब आप लोग अपने घर पे थे, बच्ची यहाँ पे खेल रही थी, उस दौरान यहाँ से गिर गई। कितने साल की थी बच्ची? 7 साल। 7 साल की बच्ची। क्या नाम है बच्ची का? जिक्रा। तो यहाँ से गिरने के बाद आप हॉस्पिटल लेके गए, क्या कहा हॉस्पिटल वालों ने? दो हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ से जवाब हो गया, तीसरे लेके गए तो वहाँ लिए। अच्छा, दो हॉस्पिटल लेके गए, जवाब हो गया, आप तीसरे कौन सा हॉस्पिटल में लेके गए अभी? आप अभी कौन से हॉस्पिटल में लेके गए? जुपिटर। अच्छा, अभी जुपिटर में लेके गए। डॉक्टर ने क्या कहा आपको? अच्छा, इलाज के लिए पैसे मांग रहे हैं आप, थोड़े फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है आपकी। हाँ। पैसों की प्रॉब्लम चल रही है। 2 महीने हुए शिफ्ट हुए यहाँ, 2 महीने हुए। तो आप लोगों को पता है ये धोखादायक बिल्डिंग है, इस पे पूरा अभी रिपेयरिंग का काम चल रहा है, आधा काम हुआ है, आधा काम अभी भी पेंडिंग है। भाभी, डॉक्टर ने क्या कहा था आपको? डॉक्टर तो इलाज चालू किए, मगर वही पैसा मांग रहे थे, पैसा अपने पास तो नहीं है कि हम बच्ची का इलाज कर पाए। आप लोगों को पता है ये बिल्डिंग रिपेयरिंग के लिए चल रही है, अभी रिपेयर पूरी तरीके से हुई नहीं है, आधे से ज़्यादा घरों में जो है ग्रिल वगैरह भी नहीं लगी है, स्लाइडिंग वगैरह भी नहीं लगी है, फिर भी आप ये बिल्डिंग में घर लिए, आखिर क्या वजह थी ऐसा? हम लोग आ गए थे भैया, घर नहीं मिल रहा था, मजबूरी भी ले ली है, फिर उसके बाद हम लोग खाली करने के लिए बोल रहे थे, तो घर वाले कुछ सांस ही नहीं ले रहे, पैसा मेरा फंस रहा है, 30,000 रुपये डिपोजिट। अच्छा, आपने अभी रूम मालिक को बोले थे आपके? हाँ, कई बार बोल चुके कि अगर नहीं घर बनवा रहे तो मेरा पैसा दे दो, हम लोग खाली कर दे, वो भी नहीं सुन रहे कोई। अच्छा, नहीं सुन रहे। घर मालिक का नाम क्या था? नहीं पता। अच्छा, नहीं पता, अभी आप नए नए आए हो इसलिए आपको पता नहीं है। भाड़ा लेने कौन आता था आपके पास? भाड़ा लेने समीर भाई आते थे। समीर भाई आते थे। अच्छा, वो यहीं रहते हैं समीर भाई? हाँ, अच्छा, बाजू वाली बिल्डिंग में रहते, वो भाड़ा लेने आपके यहाँ आते थे। हाशिम भाई, आप हर किसी के पहले सपोर्ट में रहते, अभी आपके ही एक डोंगरे चौल के आपके एरिया में एक हादसा हुआ है बच्ची के साथ जो 4 माले से गिर गई, उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं बता दूं कि आज मुझे बहुत दुख हो रहा है कि किसी एक 7 साल की बच्ची का जो 4 माले से गिरने से जो वेंटी पे जो रखा गया है, मुझे बहुत अफसोस है। और मैं जबकि 3 दिन से आउट ऑफ था, आने के बाद भी मैं बहुत थका हुआ था, लेकिन मुझे जैसे ही खबर आई मैं तुरंत उधर बच्ची को लेकर, हम जो लोग गए थे 2 हॉस्पिटल जाने के बाद, तीसरे हॉस्पिटल में मैं पहुंचा हूँ, और पहुंचने के बाद मैंने देखने के बाद जो हालात थे उसको वेंटी वगैरह पे रख के डॉक्टर वगैरह से बात किया है, उसके बाद उनका पंचनामा वगैरह हुआ था, उसके बाद मेरे पार्टी की जो हमारे प्रेसिडेंट हैं शमीम खान जी,
उनसे मेरा बात हुआ बच्ची को लेकर, एडमिट करने को लेकर, और कुछ उनका फाइनली जो पैसे के जो फाइनेंशियली जो इशू था, अच्छा। उसको भी मैंने लेकर हमारे प्रेसिडेंट शमीम खान जी से बात किया, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट जावेद शेख मेडिकल से बात हुई है इस चीज़ को लेकर कि किसी की भी बच्ची हो। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये वार्ड के अंदर सबसे अगर थर्ड कैटेगरी की अगर कोई बिल्डिंग है तो वो है ठाकुर बिल्डिंग, जिसमें मैं खुद पैदा हुआ हूँ, मैं जानता हूँ। लेकिन अभी की हालात बहुत ख़राब है ना, उन लोग रिपेयरिंग के लिए आगे आते हैं जो मेन ऑनर है, बट कैसा है कि इनको सिर्फ भाड़ा। अब आप खुद देख रहे हो कि इनके इधर स्लाइटिंग नहीं है, ग्रिल नहीं है, और ऐसा नहीं है कि रिपेयरिंग हो रही है तो इन्होंने निकाला, इनके इधर ग्रिल रहती ही नहीं है, इनके इधर हर चीज का एक एक वो है कि दस तक। अभी जैसा कि आपको इन्होंने बताया कि उनको रूम खाली करना है तो 30,000 डिपॉजिट नहीं उनका दे रहे, वो औरत जाएगी कहाँ जाएगी, ठीक है। अब ऐसे में आप खुद देख रहे हो कि ग्रिल लेंगे तो वो बच्ची जाए तो कहाँ जाए, वो बच्ची नीचे ही जाएगी डायरेक्ट। अब बच्ची है उसको तो पकड़ नहीं सकते ना, कहाँ कहाँ खेल रही है क्या है। तो ये जो है कहीं ना कहीं रूम मालिक जो है उनको सिर्फ भाड़े से मतलब। हाशिम भाई आपका कहना है कि यहाँ पे जो मालिक है, रूम मालिक है, उनको सिर्फ भाड़ों से मतलब है, उनको घर में कोई भी हादसा हो, कुछ भी हो, स्लैब गिरे या खिड़की से बच्ची गिरे या कोई भी बड़ा बड़ा हादसा हो, उनको कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जैसा कि अभी आपको घर की कुछ मालिक ने बताया कि 30,000 रुपया उनका एक डिपॉजिट नहीं वो रिटर्न कर पा रहे कि वो घर खाली कर ले, और गरीब है वो, जाए तो कहाँ जाए, गरीबी में इंसान को कुछ नज़र नहीं आता है, जहाँ पे उनको रहने मिले वहाँ इंसान रहता है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं रूम मालिक की बहुत बड़ी इसमें गलती है, क्योंकि इधर जिन्होंने भी रूम मालिक जो है जिसकी बिल्डिंग है वो ऑनर के लोग जो है वो ग्रिल ये सब पे ध्यान नहीं देते, वो सिर्फ भाड़े पे ध्यान देते हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है उनसे कि उनके पीछे एकदम सख्ती की जाए, एकदम स्ट्रिक्टली की जाए कि वो ग्रिल वगैरह लगाए, चाहे वो एक माला हो, दो माला हो, तीन माला हो, चार माला हो। लेकिन मुझे बहुत अफसोस है, मैं कल हॉस्पिटल में भी था, मुझे एक रोने जैसा मुझे हो गया है कि 7 साल की बच्ची भी। आसिम भाई अभी इतना बड़ा हादसा हो बच्ची के साथ, खुदा ना खास्ता बच्ची के साथ कुछ हो जाए, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा कि जो रूम मालिक है वो जिम्मेदार होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ग्रिल नहीं लगाया। जितने भी ऑनर के जो लोग हैं बाहर के, वो छोड़ के जिसकी बिल्डिंग में रूम है, बिल्डिंग मालिक है और उसका रूम है बिल्डिंग में, तो उसकी ग्रिल नहीं है। आप कहीं पे भी देख सकते हो, बाहर भी दिखा सकते हो आप, उनके इधर ग्रिल नहीं रहती, सिर्फ खिड़की होती है। कहीं अगर खिड़की भी खोली जाती तो ये हादसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ग्रिल ही होना चाहिए। और इसमें तो बोलूँ कि रूम मालिक भी इसका वो होना चाहिए, जिम्मेदार होना चाहिए। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम। अच्छा आपके घर में वो 7 साल की बच्ची का जो ग्रिल से गिरी है, आप ही के घर में ये हादसा हुआ, तो आपको कैसे पता, क्या सूचना मिली, आप यहाँ पर आए, आप कहाँ थे उस टाइम पे? उस टाइम मंचर में था, पूना। अच्छा पूना में, मंचर में था, मेरे बेटे का फोन आया, वैसे ही मैं निकलना था मगर बहुत रात हो चुकी थी, मैं निकल नहीं पाया, रात भर मैं तड़पता रहा कि क्या होएगा, बस दुआएं करता रहा कि परवरदिगार इसको हयात दे दे, इसको सही कर दे, यही करता रहा। सवेरे फर्स्ट टाइम में मैंने बात पकड़ के आ गया। अच्छा। और आके फिर मैंने इन लोगों से मतलब खैरियत मालूम किया कि बच्ची कैसे है, कैसे हैं, हम घर में भी नहीं हैं, पहले बच्चे लोग हैं, बच्चे के बारे में। अच्छा अभी आप ये घर में रह रहे हो, ये घर पूरी तरीके से एक रिपेयरिंग से भी बदतर हालत हो चुकी है, एकदम बुरी हालत हो चुकी है, स्लैब भी ऐसा लग रहा है प्लास्टर हुआ है अभी हाल ही में, और ग्रिल भी इसकी नई है, तो आप लोग ऐसे घर लेते क्यों हैं, अपनी जान से क्यों खिलवाड़ करते हैं? सर क्या करें, वो इतना मजबूरी है, समझ लीजिए नहीं होता तो मैं दूसरे जगह चला जाता, अभी इतना पैसा मेरे पास है ही नहीं कि मैं डिपॉजिट दे के दूसरे जगह घर ले सकूं, फिर मैं अपने बच्चे लोगों को। अच्छा क्या भाड़ा है आपका यहाँ पे? यहाँ भाड़ा 4,000 है। और डिपॉजिट? डिपॉजिट कुछ भी नहीं। अच्छा आपने डिपॉजिट नहीं दिया, सिर्फ भाड़ा 4,000 रुपये भाड़ा दे रहे हो? पैसा ही नहीं है सर, इसके लिए मजबूरियां ऐसे ऐसे जगह पर रह रहा हूँ, क्या करूँ। बेटा क्या नाम है तेरा? अच्छा अरकम, आप अपनी जो बहन आपकी यहाँ 4 माले से गिरी है, आप अपनी बहन के साथ खेल रहे थे, कैसा ये हादसा हुआ, क्या कैसे गिरी, आप कुछ बताओ। हम लोग आँखी पट्टा खेल रहे थे, हम अपने आँखी में पट्टे डाल रहे थे, ये आँख खड़ी रही, मैं पकड़ने के लिए आगे हुआ वो गिरी। अच्छा आँख पे काली पट्टी बांध के आप खेल रहे थे, उस दौरान जो आपकी बहन है वो पलंग पे चढ़ी। अच्छा उसके बाद फिर यहाँ से गिरी, तो आपने फिर यहाँ पे चिल्लम पुकार कुछ बोला वोला कि जी मम्मी पापा को बुला के लाए थे, उसके बाद क्या हुआ था, आपने मम्मी पापा को बुलाने के बाद क्या हुआ? मैं अपनी मम्मी को नहीं बुलाया, इन्हें ना बहुत चीख रहा थी। अच्छा
सीख रहे।